हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का JLM वर्ल्ड गुरु में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाएं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें और वहाँ पर डालना है ऐप भी क्रिएट अकाउंट, फिर इसको सर्च करना है। फिर नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा एक क्रिएट होम फेसबुक, ये लिखा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लें। यहाँ पे ऑलरेडी अगर किसी का अकाउंट बना है तो यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं और क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी न्यू अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। तो हम क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, यहाँ से ऑडियो चालू हो जाएगी। आप ऑडियो चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियो बताता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप सुन रहे हैं। पूरा नाम क्या है, पहले अपना नाम डालें और फिर सरनेम डालें। जो भी अपना नाम से बनाना चाहें कोई भी एक नाम डाल सकते हैं, अपना फर्स्ट नाम इसमें लास्ट नेम। तो मैं कोई भी ऐसे ही रख देता हूँ, अभी मैं हेलो रख देता हूँ यहाँ पे नाम, और लास्ट नेम भी हेलो रख देता हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा, जन्मदिन क्या है। देखो जैसे कि आईडी बता रहा है, आप चाहे तो बाद में इसे छिपा सकते हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्या डाल सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दे दीजिए। मैं ऐसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैंने 2005 कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर डालें जिस पर आपसे संपर्क किया जा सकता है। आप बाद में अपना नंबर दूसरों से छिपा सकते हैं। आप डाल सकते हैं यहाँ से A to Z के लिए एक ऑप्शन चुनें। दोस्तों मोबाइल नंबर के बाद ऐसा आएगा, यहाँ पे चुन लेना है। आप मेल फीमेल है वो भी चुन लेना है यहाँ से, जैसे कि मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ अभी। एक मिनट, एक फोन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जाना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड चुन सकते हो, जिसमें कम से कम 6 कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। या तो नो हो या ऐसा होना चाहिए जिसका बाकी लोग अंदाजा न लगा सके। कोई भी पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे साइन अप पे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी पासवर्ड डाल देता हूँ। इसमें आईडी आपकी तैयार हो गई, यहाँ पे पासवर्ड अपना सेव भी कर सकते हैं यहाँ से और नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं अभी नेवर कर देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ओके के बटन पे जाना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा एक मैसेज भी आ गया फेसबुक की तरफ से, यहाँ पे अलाउ वगैरह कर देना है जो भी कंडीशन मांगे, और यहाँ पे ओके जाना है। ठीक है, ओके जैसे ही बटन दबाओगे वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे अपना अकाउंट कंफर्म करने के लिए इस स्क्रीन पर वह कोड डालें जो आपको SMS में मिला है। अगर आपको जो भी मैसेज में कोड मिला है वो कोड यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों, और हम आपको फिर से कोड भेज देंगे। जैसे कि मेरा कोड ऑटोमेटिक आ गया है 43012, तो मैं अभी यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे रॉन्ग बता रहा है, तो दोस्तों दूसरा कोड यहाँ पे देखता हूँ मैं भी, कौन सा मेरा कोड आया है वो भी देखता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आया है 43012। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कोड 43012 और कंफर्म कर देते हैं। अगर दोस्तों कोड भेजा है, कोड भी अगर रॉन्ग हो तो यहाँ पे मिलने में 5 मिनट तक का समय लग सकता है। जब आपको SMS मिल जाए तो उसमें दिया गया कोड स्क्रीन पर डालें। अगर आपको कोड नहीं मिलता है तो आप उसे दोबारा पाने का ऑप्शन चुन सकते हैं। दोबारा पाने के लिए दोस्तों किस पे जाना है, क्या करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोबारा पाने के लिए आईडेंट रिसीव द कोड, इस पे जाना है, और जाने के बाद में ईमेल पे भी आप लोग भेज सकते हैं, और यहाँ पे ऐड
अनदर नंबर पे भी जा सकते हैं, सेंट अगन पे भी कर सकते हैं। तो मैंने सेंट अगन का रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, ये देखो दोस्तों। तो यहाँ पे अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी आने वाला होगा कोड। यहाँ पे दोस्तों ये ऐड नाउ पे जाना है, फिर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जिसके फेसबुक है उसका ठीक है, जिसके अकाउंट में नहीं है मोबाइल में, वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से फैन चूज़ कर सकता है। तो दोस्तों मैं अभी स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे स्किप का बटन है, तो मैं किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाता हूँ अभी, मैंने स्किप कर दिया। स्किप कर देते हैं, यहाँ से अपना स्क्रीन में अपनी प्रोफाइल, यहाँ से अपना प्रोफाइल फ़ोटो जोड़ सकते हैं, जो भी प्रोफाइल जोड़ना है ऐड फ़ोटो पे जाके, जो भी प्रोफाइल आप लोग लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगा सकते हैं ऐड फ़ोटो। यहाँ से आप लोगों का फ़ोन का वो खुल जाएगा मेमोरी, और यहाँ से फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, गैलरी भी खुल जाएगा यहाँ से, और फ़ोटो चूज़ करते हैं, ब्राउज़र पे भी जाके फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से फाइल पे जाके कोई भी फ़ोटो लगा लेते हैं। तो अभी मैं दोस्तों ये वाला फ़ोटो लगा लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद जाना है यूज़ दिस फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों एक बार और, यहाँ पे 5000 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते हैं आप फेसबुक पे, और फेसबुक ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड पे जाना है, आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं है तो, अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो वहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं आप लोग जाके, ठीक है दोस्तों। तो मेरा डाउनलोड है ऑलरेडी, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे हम दोस्तों नेक्स्ट पे जाते हैं अब, क्योंकि हमारा ऑलरेडी है अकाउंट बना हुआ, इसलिए हम डाउनलोड नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेरी आईडी यहाँ पे खुल चुकी है, और मैं बहुत ही आसानी से यहाँ से चैट भी कर सकता हूँ किसी भी फ्रेंड से। यहाँ से आप अपने रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं फ्रेंड के लिए, जो भी आप लोगों का फ्रेंड है उसके लिए यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कोई भी दोस्त को सर्च करना चाहें, जैसे कि मैं मनोज को सर्च करना चाहूँगा, एम ए एन ओ जे डाल देंगे यहाँ पे और सर्च मार देंगे यहाँ पे, तो आप लोग देख पा रहे हैं मनोज नाम से इतनी आईडी आएगी। जो भी है आपका दोस्त वहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो और चैट बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना दोस्तों। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।